हेलो स्टूडेंट आज हम एक्साइज 9.3 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास फॉर्म द डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ़ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सेस एंड रेडियस थ्री यूनिट्स अब हमने सर्कल की इक्वेशन बनानी है पहले ठीक है तो सर्कल हमारे पास कहाँ है वाई एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे है तो इट मीन्स जो हमारा x एक्सिस पॉइंट होगा वो तो ज़ीरो होगा ठीक है तो y एक्सिस का पॉइंट कुछ ना कुछ होगा और इसका रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है थ्री यूनिट तो रेडियस है हमारे पास थ्री यूनिट और जो सेंटर है x एक्सिस पॉइंट ज़ीरो और जो y एक्सिस का पॉइंट है उसे हम a लेट कर लेते हैं ठीक है तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है पहले हम लिखते हैं सेंटर सेंटर है हमारे पास ज़ीरो और ए और रेडियस हमारे पास कितना थ्री इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर तो एच की वैल्यू हमारे पास जीरो है और के की वैल्यू हमारे पास ए है और इक्वल टू थ्री का स्क्वायर एक्स स्केयर y माइनस सॉरी y माइनस ए का होल स्केयर इक्वल टू नाइन अब इसमें a की आर्बिट्री कांस्टेंट है a, तो इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा वन ही होगा ठीक है अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स कैर का डेरिवेटिव है टू एक्स और टू वाई माइनस ए वन और वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वाई डैश और नाइन का डेरिवेटिव ज़ीरो अब हम क्या करेंगे ये जो वाई माइनस ए की वैल्यू है ठीक है वाई माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो टू वाई माइनस ए वाई डैश इक्वल टू तो नेगेटिव टू एक्स टू के साथ टू कैंसल तो वाई माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव एक्स बाय y डैश तो y माइनस ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देंगे तो पुट इन इक्वेशन वन द वैल्यू ऑफ y माइनस ए तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर और y माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव x अपॉन वाई डैश का होल स्केयर इक्वल टू नाइन अब हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई डैश का स्केयर इक्वल टू नाइन अब हमारे पास एल्सीयम लेने से पहले एक्स स्क्र कॉमन निकाल देंगे तो अब एक्स स्क्र एल्सीयम आ गया हमारे पास वाई डैश का स्केयर प्लस वन डिवाइड में वाई डैश का होल स्क्यर इक्वल टू नाइन एक्स स्क्र वाई डैश का होल स्क्र प्लस वन और वाई डैश का होल स्क्यर नाइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अब एक्सकेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ब्रैकेट में एक्स स्केयर वाई डैश का होल स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू नाइन वाई डैश का होल स्केयर तो वाई डैश वाले एक तरफ कर लेते हैं एक्स स्केयर वाई डैश का स्केयर माइनस नाइन वाई डैश का होल स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अब एक्स केयर वाइस की डैश स्ट कॉमन निकाल लेते हैं और प्लस एक्स केयर यह हमारा आंसर जो बुक में दिया हुआ तो ये हमारा टेंथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ पर क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे पास y इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स अब हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है सी वन सी टू तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा टू होगा इट मीन्स हमने इसका डेरिवेटिव टू दो बार करना है तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई का डेरिवेटिव वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स आ गया c1 e की पावर x नेगेटिव c2 e की पावर नेगेटिव x अब इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन तो यहाँ डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स नेगेटिव सी टू ई की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव वन तो डबल डेरिवेटिव सी वन e ई की पावर एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सी टू e की पावर नेगेटिव एक्स तो ये वाई बन गई हमारे पास जो क्वेश्चन में था तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू वाई तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वाई इक्वल टू ज़ीरो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स गिवन है तो हमने इन इक्वेशन में से इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ये कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो अब हमने चेक करना है कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा हमें तो मुझे तो आंसर मालूम है तो हम थर्ड इक्वेशन से ट्राई करते हैं थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स केयर सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई इक्वल टू तो ज़ीरो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है ज़ीरो सिंगल डेरिवेटिव की वन और एक्स वाई की वैल्यू क्या है एक्स तो नेगेटिव एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो में 9.4 करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स